हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। मगर अब फिर से मैं एक बार इस चीज़ को रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग पढ़ाना है। टाइप ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग में क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। इसमें सबसे नंबर वन है सोर्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। सोर्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग में मतलब कि किस सोर्स से प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। वो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रिकल है या केमिकल है। प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स का सोर्स क्या होगा, इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग। ठीक है, अभी इसको आगे एक्सप्लेन भी किया गया है। अब वो प्रीस्ट्रेसिंग एक्सटर्नल है या इंटरनल है। एक्सटर्नल इंटरनल प्रीस्ट्रेसिंग मतलब जो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन है, टेंडन वो विदिन मेंबर है या आउटसाइड मेंबर है, इसके बारे में। प्री टेंशन है, पोस्ट टेंशन है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। कास्टिंग से पहले टेंशनिंग दी गई है तो प्री टेंशन, कास्टिंग के बाद टेंशनिंग दी गई है तो पोस्ट टेंशन। लीनियर है कि सर्कुलर है, जैसे कि बीम में अगर टेंडन प्रोवाइड करेंगे तो लीनियर टेंडन होगा, टैंक में टेंडन प्रोवाइड करेंगे तो वो सर्कुलर टेंडन होगा। तो ये सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग हो गई, ये लीनियर प्री स्ट्रेसिंग हो गई। फुल्ली लिमिटेड और पार्शियल, ये तीन कैटेगरी की होती है, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। सर्विस लोड पर, सर्विस लोड और क्रैकिंग पर बेस्ड इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल मतलब अलॉन्ग द लेंथ, बाई एक्सियल यानी लॉन्ग लेंथ और विथ दोनों के अलॉन्ग प्री स्ट्रेसिंग। मल्टी एक्सियल उसमें कई एक्सेस पे जो है प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के एक्सप्लेन करके। सोर्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में नंबर वन है हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग। हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग